हेलो एवरीवन, सर्वज्ञ एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 5 अप्रैल 2022 की करंट अफेयर्स को देखेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हेन इज द इंटरनेशनल डे फॉर माइंड अवेयरनेस एंड असिस्टेंस इन माइंड वर्क ऑब्जर्व। खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 4 अप्रैल को खान जागरूकता और खदान कार्य में सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। और इस साल वर्ष 2022 की थीम थी सेफ ग्राउंड, सेफ स्टेप्स एंड सेफ होम। हम आपको बता दें, इसकी शुरुआत संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा वर्ष 2005 में की गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉन द ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला क्रिकेट विश्व कप 2022 जीता। इस जीत के साथ उसने विश्व कप में अपनी 7वीं जीत सुनिश्चित की। हम आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया की कप्तान मेग लैनिंग थी जिन्होंने इस ICC विश्व कप को जीता। और इस ICC विश्व कप में एक खास बात यह भी थी कि एलिसा हेली विश्व कप के सेमीफाइनल और फाइनल में शतक लगाने वाली पहली बल्लेबाज बन गई हैं। ये खास बात थी इस विश्व कप की। और अभी ऑस्ट्रेलिया ने जीता है तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में कुछ जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया के कैपिटल कैनबरा है, वहाँ के प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन है और वहाँ की करेंसी डॉलर है, वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वेन इज द आर्मी मेडिकल कॉर्प्स रेजिंग डे सेलिब्रेटेड? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, 3 अप्रैल को आर्मी मेडिकल कोर स्थापना दिवस मनाया जाता है। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1943 को हुई थी और इसका आदर्श वाक्य सर्वे सन्तु निरामया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, हु वॉन द स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर मेन्स अवार्ड 2022? स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार 2022 किसने जीता? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, नीरज चोपड़ा ने स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरुष पुरस्कार जीता। हम आपको बता दें कि स्पोर्ट स्टार महिला का पुरस्कार मीराबाई चानू ने जीता था और वहीं स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर व्यक्तिगत खेल में लवीना बोरगोहेन ने यह पुरस्कार जीता और पैरा एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार अवनी लेखरा के द्वारा जीता गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, हु बिकेम द फर्स्ट अफ्रीकन टू विन द प्रिट्जकर अवार्ड? प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी कौन बने? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, फ्रांसिस केरे। फ्रांसिस केरे प्रिट्जकर पुरस्कार जीतने वाले पहले अफ्रीकी बने। हम आपको बता दें कि प्रिट्जकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह हयात फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है और इसकी स्थापना वर्ष 1978 में की गई थी और इसमें इनाम के तौर पर $1,00,000 दिया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, व्हाट इज़ द ऑफिशियल मस्कट ऑफ फीफा वर्ल्ड कप 2022? फीफा ने विश्व कप 2022 के लिए आधिकारिक शुभंकर के रूप में किसे चुना? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, लाइव। फीफा ने विश्व कप 2022 के लिए लाइव को आधिकारिक शुभंकर के रूप में चुना है। लाइव एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है अति कुशल खिलाड़ी। और हम आपको बता दें कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन 21 नवंबर से 28 दिसंबर तक कतर में आयोजित किया जाएगा और फीफा स्टैंड फॉर फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल। इसकी स्थापना 1904 में पेरिस में की गई थी तथा इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्थापना कहाँ हुई थी? पेरिस में। और हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख स्विट्जरलैंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, साजिबू नोंगमा पनबा इज द ट्रेडिशनल फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट? साजिबू नोंगमा पनबा किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, यह पारंपरिक त्यौहार मणिपुर का है। हम मणिपुर के बारे में जानते हैं, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, वहाँ के CM एन वीरेन सिंह हैं,
गवर्नर गैरेसन है और ऑफिशियल लैंग्वेज मणिपुरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु बिकेम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू कैप्टन द मोस्ट मैचेज इन द ICC वुमेन्स वर्ल्ड कप। ICC महिला विश्व कप के सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी कौन बनी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड मिताली राज। भारतीय खिलाड़ी मिताली राज महिला विश्व कप में सबसे ज़्यादा मैचों में कप्तानी करने वाली दुनिया की पहली खिलाड़ी बन गई हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु विल होस्ट द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022। ICC अंडर 19 की मेजबानी कौन करेगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड वेस्ट इंडीज़। ICC अंडर 19 की मेजबानी करेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 वॉज इंट्रोड्यूस बाई हूम। हाल ही में द इंडियन अंटार्कटिका बिल 2022 किसके द्वारा पेश किया गया। द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा यह बिल पेश किया गया। हम आपको बता दें जितेंद्र सिंह मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंसेस के मंत्री हैं और यह बिल लोकसभा में पेश किया गया। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर इतना ही रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल के करंट अफेयर्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।